वेलकम टू माय चैनल आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरेंसिंग इक्वेशन ऑफ कैटनरी फाइंड इंटरेंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी वाई इज इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई सी टेकिंग वर्टेक्स जीरो सी एज द फिक्स पॉइंट फिक्स पॉइंट हमें दे रखा है जीरो सी जो इसका वर्टैक्स है वो दे रखा है और कैटनरी की हमें इक्वेशन दे रखी है तो इसकी इंटरेंसिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास आएगा डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स बाय सी का क्या होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय सी और एक्स डिवाइडेड बाय सी का करेंगे तो वन डिवाइडेड बाय में सी आएगा तो यहाँ पर वन डिवाइडेड सी तो ये सी से सी कैंसिल कर करिएगा हमारे पास क्या क्या आएगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय में सी आ गया राइट right? ये आ गया और अब हम फाइंड करते हैं एस दैट इज आर्क लेंथ आर्क लेंथ जीरो दे रखा है है की और अपर लिमिट कोई फिक्स एक पॉइंट पी मान लीजिए जो आर्बिट्रेरी पॉइंट उस के मूव कर रहा है पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है फिक्स पॉइंट जीरो सी है लेकिन वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है तो लिमिट जीरो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ वन प्लस डीवाई विटाम डी एक्स का डी एक्स दिया गया राइट तो डी वाई विटामिन डी एक्स की वैल्यू भी यहाँ से इस इसको इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आगे एस इज टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन स्केय हाइपर

हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई सी अपर लिमिट एक्स लोअर लिमिट अपने पास जीरो दे रखी है ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आता है एस एज इक्ल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई सी ये हमारी इक्वेशन नंबर वन हो गई राइट अब हमें पता है टेन ऑफ साइन किसके इक्वल होता है स्लोप ऑफ द एक्सिस राइट डी वाई विटामिन डी एक्स की इक्ल होता है और वो वैल्यू हमारे पास ये थी दैट मीनस साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड वाई सी थी ये वैल्यू टेन साइन के इक्वल है तो यहाँ पर इसकी टेन साइन पुट करेंगे तो हमारा एस क्या आ जाता है एस इज इक्वल टू सी टेन साइन तो ये हमारी इंटरनसिक इक्वेशन आ जाती है ऑफ कैटेनरी थैंक यू